हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। लास्ट के 10 से 12 दिन रह गए हैं आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए और इस टाइम पे बच्चे मोटिवेशन लैक करते हैं और मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप मोटिवेट हो सके। तभी मेरी सैलरी क्रेडिट हुई आज इस अगस्त मंथ की और मुझे आइडिया आया कि चलो सैलरी स्लिप पे ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप उसको देख के ही मोटिवेट हो सके कि इस पोस्ट पे जिस पोस्ट पे मैं हूँ उस पोस्ट पे की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ आके आपकी सैलरी क्या होने वाली है। और अगर आप IBPS PO भी आपका टारगेट है तो भी सैलरी सेम होती है, चाहे नेशनलाइज बैंक हो चाहे RRBs हो, PO की सैलरी वही होती है, बस अलाउंस का थोड़ा डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। आपकी सैलरी इससे ज़्यादा ही होगी क्योंकि 11th बाइपार्टाइट लग चुका है तो आपकी सैलरी 4-5 हज़ार ज़्यादा होगी जो इस प्रेजेंट सैलरी है मेरी। तो इस वीडियो में वो भी बात करेंगे कि सैलरी के अलावा और क्या अलाउंस आपको मिलता है एज एन RRB PO। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है कि आप थोड़ा मोटिवेट हो सके और प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि लास्ट टच फाइनल टच आपने जो दिया आपने प्रिपरेशन में, जो भी आपका फाइनल टच होगा वो आपके मार्क्स में शो करेगा, फाइनल मार्क्स में शो करेगा, ये डेफिनेटली है। तो इन 10 से 12 दिन में अगर आपकी एफिशिएंसी 100% है तो 200% से पढ़िए क्योंकि लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सैलरी स्लिप काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। इस बैंक में काम करता हूँ और सैलरी स्लिप फॉर अगस्त 2020 मतलब इस मंथ की सैलरी है 2020 की। कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी जो छुपाई गई है, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं उसको मैंने छुपा दिया है। ठीक है, ये मेरा नाम आशुतोष गुप्ता और जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपको आपके नाम के साथ एक डेजिग्नेशन लग जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का। ऑफिसर स्केल 1 होता है असिस्टेंट मैनेजर, आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। फ्रेंड्स, जब भी आप अभी 2 हफ्ते जो बचे हैं, 10 दिन 12 दिन बचे हैं, आप यही सोच के पढ़ाई कर लीजिए कि आप अभी कुछ भी नहीं हैं, एक नॉर्मल पर्सन हैं जो गली में घूम रहा है, नॉर्मल इंसान है, उससे आप बदल के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, आपकी एक पोस्ट हो जाएगी, आपका एक ओहदा हो जाएगा। इसी यही सोच के आप पढ़ाई करिए कि आप अभी कुछ नहीं हैं और अगर आपने ये 10-12 दिन मेहनत कर लिया तो आप कुछ हो जाएंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे बैंक में। ठीक है, तो ये अच्छा खासा पोस्ट होता है और ये एक मोटिवेशन लेके आप, इस मोटिवेशन को लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, जो सैलरी स्लिप है मैंने जुलाई का सैलरी स्लिप डाला था उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि ये बेस सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट, स्पेशल अलाउंस, डीए और ऐसे ये सारे कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ है। इस साइड नहीं जाना है, ये सब मेरा टोटल अर्निंग है, ये नहीं देखना है, ये आपका इस मंथ की अर्निंग है, इसे देखना है। ठीक है, और ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ था उस वीडियो मैंने अच्छे से बताया है, तो मैं उसका लिंक ऊपर डाल दे रहा हूँ और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका उसको बताने में। इसमें उस वीडियो में मैंने अलाउंस नहीं बताए थे, क्या क्या अलाउंस मिलता है उस पर ज़्यादा बात नहीं की थी। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि सैलरी के अलावा भी आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बहुत कुछ मिलता है बैंक की तरफ से आपको, तो जी तोड़ के पढ़ाई करिए। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी होगी, बेस सैलरी होगी 23,700, सॉरी आपकी नहीं होगी, मेरी बेस सैलरी है 23,700, आपकी इससे बढ़ी हुई सैलरी होगी क्योंकि 11 बाई पैटेंट लग गया है तो बेस सैलरी में ही चेंज होता है, उसके बाद से ये सब उसी पे कैलकुलेट होता है। तो आपका बेस सैलरी चेंज होगा और अभी मेरा बेस सैलरी है 23,700 और फिर उस पर ये DA मिला है, ये HRA मिला है, ये SA मिला है, ये DA1 SA मिला है। ठीक है, टोटल जो है टोटल अर्निंग मतलब ग्रॉस सैलरी बन के आ रही है 46,986 रुपीज़, ये इस टाइम पे ग्रॉस सैलरी आपकी बन के आ रही है। ठीक है, आप पिछले महीने की मेरी सैलरी देखेंगे तो वो 46,600 समथिंग है, मतलब 600 है, लेकिन इस बार देखेंगे तो 46,986 हो गया है, ये 359 रुपीज़ का इंक्रीमेंट क्या किस में हुआ है, डीए में हुआ है। डीए में क्यों हुआ है, महंगाई भत्ता है, ये 0.14 स्लैब बढ़ा है, क्वार्टरली बढ़ता है तो अगस्त से दिसंबर तक के लिए बढ़ गया है। ठीक है, तो ये 300 रुपये मेरा 350 के अप्रॉक्स बढ़ा हुआ है, तो 46,986 ये टोटल अर्निंग है। अब जो डिडक्शन होता है, ये डिडक्शन वाला सेक्शन है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, कोई लोन लिया है तो उसका लोन का EMI कट रहा है, ये सब सबके लिए अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है, आपका भी अलग होगा। और लेकिन एक चीज़ जो है जो सब में सेम होता है, ये फोर्थ वाला कंट्रीब्यूटरी
पेंशन स्कीम, ये आपका कटना ही कटना है। एनपीएस है ये, एनपीएस है ये सबका कटता है, आपका भी कटेगा। तो 4206 रुपीज़, 4206 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट हो गया। बचा कितना आपके पास, आपके पास बच गया 42,780। ये आपकी इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी, ये आपको इन हैंड मिलेगा, आपके हाथ में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा 42,780 रुपीज़। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो ये आपकी सैलरी होगी। बट अब 11th पैटर्न लग गया है तो आपकी सैलरी 46,000 प्लस होने वाली है, 46 से कम नहीं आएगी, आपकी इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई सैलरी की बात। सैलरी के अलावा भी बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आप जब एज एन पी ओ ज्वाइन करेंगे तो आप होते हैं प्रोविज़न पे। ये प्रोविज़न पीरियड डिफरेंट होता है अलग अलग बैंकों में। ग्रामीण बैंक में लगभग सारे बैंक में 2 साल का है, 2 ईयर, 2 ईयर आप प्रोविज़न पे हैं। 2 ईयर तक, 2 साल तक आपको सिर्फ आपकी सैलरी मिलेगी आपको, इसी से आपका अपना खर्चा चलाना है, घर का खर्चा चलाना है, ठीक है। सैलरी मिलेगी जो कि आपकी इन हैंड सैलरी इस समय 43K है, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो 46 प्लस की होगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा 2 साल तक, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो डेली के लिए आपको मिलेगा वो क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। डेली में आपको मिलेगा न्यूज़पेपर के लिए आपको पर मंथ 150 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ, ओके। और फिर एंटरटेनमेंट के लिए मिलता है आपको पर मंथ 150 रुपीज़। ये देखिए, ये सब जो अलाउंस है ना, ये हर बैंक वाइज डिफरेंट रहता है। जैसे कि अभी बड़ौदा यूपी बैंक हो गया है हमारा, तो बड़ौदा यूपी बैंक का अलग है, आर्यव्रत का अलग होगा, इस तरीके से अलग होता है। बट जो सैलरी है वो सब जगह सेम होता है, चाहे वो पीएसयूज हो चाहे आरआरबीज हो, जो पीओ की सैलरी है सैलरी सब जगह सेम होगा, बट ये अलाउंस में डिफरेंस होगा। जैसे हम लोग को 150 मिल रहा है पर मंथ, और किसी बैंक को डिफरेंट मिल रहा होगा, 200 मिल रहा होगा, 250 मिल रहा होगा, किसी को 100 मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये अलाउंस जो है ये सब डिफरेंट होते हैं सब बैंक के। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 150, इसके अलावा आपको मिलेगा पेट्रोल अभी हम लोग को मिल रहा है 15 लीटर पर मंथ। ये तो आपको मिलेगा डेली, मतलब हर मंथ, मंथली आपको ये सैलरी मिलेगी, और मंथली आपको ये तीन चीज़ मिलना ही मिलना है, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, पेट्रोल, ये तीन चीज़ आपका फिक्स है और आपकी सैलरी फिक्स है। 2 साल तक आपको यही मिलेगा। 2 साल अगर आपने मेहनत कर लिया, प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया, कन्फर्म एम्प्लॉय हो गए, कन्फर्म एम्प्लॉय होते ही आपके पास गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, और खर्चा करने के लिए पैसा भी होगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा तो आप बहुत सारे स्टाफ फैसिलिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आप हाउसिंग लोन के लिए अब आप अपना घर बनवा सकते हैं हाउसिंग लोन लेके। बैंक आपको हाउसिंग लोन देगा आपका बैंक 2 साल कंप्लीट होने के बाद, जब आप कंफर्म एम्प्लॉय हो जाएंगे। कितने तक का देगा, तो जितना आपका कॉस्ट उठेगा घर बनवाने में उसका 90% और 90% और 95 टाइम्स आपकी सैलरी के 95 टाइम और 65 लाख विच इज़ लेस 60 लाख, इसमें से जो 65 लाख, इन सब में से जो भी कम हो वो आपको देगा बैंक। तो 60 लाख का लोन आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा घर बनवाने के लिए, वो भी 6.5 से 7% SI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका बैंक ही आपको दे सकता है हाउसिंग लोन इतने कम दर पे, वो भी SI पे। फ्रेंड्स, अगर आपको 65 लाख का हाउसिंग लोन चाहिए तो आप मार्केट में पता लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 80,000 प्लस होना चाहिए, उसके बाद से कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब आप मार्केट में पता लगा लीजिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी CI में होगा, कितना होगा, ये सब आप पता लगा सकते हैं अपने से। आपको मिलेगा 6.5 से 7% SI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। कम से कम 10 लाख का आपको फ़ायदा होने वाला है इस SI की वजह से, 10 लाख रुपए तक का फ़ायदा होने वाला है सिर्फ ये SI की वजह से। और जो इंटरेस्ट रेट कम है उसकी वजह से तो और फ़ायदा होगा ही,
और इतना ज़्यादा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा इतने कम सैलरी पे, 50,000 की सैलरी पे। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हाउसिंग लोन मिल जाएगा आपको, 2 साल के बाद आपका अपना घर हो जाएगा। दूसरा गाड़ी के लिए कन्वेंस लोन आपको मिलेगा जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेंगे। 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको, सॉरी 2 ईयर पे ही आपको कन्वेंस लोन मिलता है, 2 साल के बाद ही आप कन्वेंस लोन भी ले सकते हैं। कन्वेंस लोन आपको मिलेगा कितना, 90% ऑन रोड प्राइस का 90%, या फिर और 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा कन्वेंस के लिए। आप इसमें या तो एक 4-व्हीलर खरीद लीजिए, या फिर एक 4-व्हीलर और एक 2-व्हीलर खरीद लीजिए, या फिर सिर्फ एक 2-व्हीलर खरीदिए, कुछ भी, मतलब ये कॉम्बिनेशन चलेगा, एक 4-व्हीलर, एक 2-व्हीलर, या सिर्फ एक 4-व्हीलर, या सिर्फ एक 2-व्हीलर, ये कॉम्बिनेशन चलेगा। 15 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा आपके गाड़ी के लिए। तो आपके पास बंगला भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, और क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो 3 साल बाद, 3 ईयर बाद, जब 3 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ओडी, आप क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं इसको, ओडी मिलेगा आपको ओवरड्राफ्ट। कितना, अगर आप 3 साल से 5 साल तक का आपका एक्सपीरियंस है, 3 ईयर टू 5 ईयर, तो आपको मिलेगा 2.5 लाख का, और ये बढ़ता जाता है। अगर 5 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 5 to 8 है, तो ये 5 लाख हो जाता है, और 8 से ऊपर और 10 साल 10-15 जितना भी हो, अब मुझे आगे का याद नहीं है, वो ये लिमिट आपकी बढ़ती जाती है, 2.5 से 5, 5 से 8, ऐसे लिमिट बढ़ती जाती है। तो आपको पैसा भी मिलता है, ये आपको मिलेगा 8% के रेट पे, 8% पर एनम, ये CI में रहेगा, 8% पर एनम पे आपको OD मिल जाएगा 2.5 लाख का। स्टार्टिंग में ही 3 साल कंप्लीट होते ही 2.5 लाख का OD मिल जाएगा, 15 लाख का वो कन्वेंस लोन मिल जाएगा, ये भी CI पे आपको रहेगा, ये CI पे रहेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको 6.5% रहेगा, इस समय है 6.5% SI है, SI पे ही आपको कन्वेंस लोन भी मिल रहा है, और सबसे बड़ा हाउसिंग लोन आपको मिल जाएगा 65 लाख का, 6.5 से 7% SI पे। तो आपके पास घर भी हो गया, आपके पास गाड़ी भी हो गई, आपके पास पैसा भी हो गया, तीनों चीज़ हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं बैंक की तरफ से, जैसे कि LFC की फैसिलिटी। LFC क्या होता है, या बैंक में आएंगे तब आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, मैं भी समझाना चाहूँगा भी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ज्वाइन करने के बाद भी मुझे बहुत दिन बाद ये समझ में आया कि है क्या एक्चुअल में ये। LFC आपको मिलेगा, और भी बहुत चीज़ है, जैसे 2 साल और 4 साल का ब्लॉक होता है, 2 साल बाद और 4 साल में एक बार आपको 1 मंथ की सैलरी मिलती है, 1 मंथ की सैलरी मिलती है, और 1,000 किलोमीटर का सेकेंड AC का किराया मिलता है आपको घूमने जाने के लिए। ये सारी फैसिलिटी आपको आपकी बैंक देगी, आप बस सर्विस दीजिए, 2 साल आप अपना प्रोबेशन कंप्लीट करिए, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी बैंक की तरफ से, जैसे ही आप कंफर्म एम्प्लॉय होंगे। तो सिर्फ सैलरी की तरफ मत देखिए कि 43,000 सैलरी है, 44,000 सैलरी है, सैलरी के अलावा जो ये सब अलाउंस बैंक दे रही है, ये कोई भी सरकारी कंपनी नहीं देगी आपको, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी देगी कि आपको हाउसिंग लोन दिला दे इतना सस्ते रेट पे, या फिर कन्वेंस लोन दिला दे इतने सस्ते रेट पे, या OD दे दे आपको, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे कि आप सैलरी दिखा रहे हो, आप बैंक में जो प्रेशर है वो सब नहीं बता रहे हो। तो फ्रेंड्स, जो काम चोर हैं वही ऐसा कमेंट करेंगे, जिनको काम नहीं करना है वही ऐसा कमेंट करेंगे, जिनको काम करना है, पैसा ले रहे हो, सरकार तुम्हें पैसा दे रही है तो काम करने का पैसा दे रही है, आओ काम करो और पैसा कमाओ, ये नहीं कि सरकारी नौकरी है तो आके बैठोगे और तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग कमेंट करने से पहले एक बार सोच लें कि वर्क प्रेशर कैसा है। वर्क प्रेशर सब जगह होता है, अगर आप वर्क करेंगे तो, वर्क करना चाहेंगे तभी प्रेशर आपको मिलेगा, नहीं करना चाहेंगे तो कहाँ से प्रेशर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब देख के, जो स्टूडेंट है कैंडिडेट्स, उनको ये सब देख के मोटिवेशन मिला होगा और वो पढ़ने पे अब फोकस हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपकी फैमिली फाइनेंशियली बैकवर्ड है, तो आप ज़रूर से तैयारी करिए, एकदम जोर शोर से तैयारी करिए, क्योंकि 2 से 3 3 से 4 साल बाद आपके पास सब कुछ होने वाला है, घर, गाड़ी और पैसा, सब कुछ होने वाला है, नौकरी आपके पास रहेगी ही, वो भी सरकारी,
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।